हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, और आज की वीडियो की जो स्पीड होने वाली है वो होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहला काफी कमाल का अपडेट है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का, जिसमें कि कंफर्म हो चुका है कि स्पाइडरमैन और सारे एवेंजर्स अर्थ 616 से विजिट करते हैं। मिस्टरी कौन से अर्थ से विजिट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नुमान का कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में कि वो एक विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में सर्च मारिए कमेलियन, आपको पता चल जाएगा। जिमी के लाइव शो में पूरी कास्ट आई थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की। टॉम ने एक छोटा सा स्पॉइलर दिया एवेंजर एंड गेम का, जो कि वेडिंग से रिलेटिव था। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे वो कौन सा अपडेट था। उसी के साथ स्पाइडरमैन में कंफर्म हो चुका है कि डेली बग इसका खर्च होगा हमें देखने को मिलेगा, पर इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जे हमें भी मिलेंगे देखने को मूवी में। उसी के साथ फिशवॉल पहनकर जैक ने एक इमेज डाली इंस्टाग्राम पोस्ट पर, जिसमें कि काफी लोगों ने उसे मजाक भी उड़ाया पर काफी लोगों ने इसे पसंद भी करा। स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी टॉबी मैकफाई की जो मूवी थी उसमें स्क्रीन प्ले जो राइटर थे वो अब मर चुके हैं, जिनका नाम था एल्विन। तो आप स्क्रीन शॉट देख सकते हो, ये उनका फुल नेम है, चूंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब बात करते हैं एवेंजर एंड गेम के रिलेटिव बिहाइंड द सीन इमेजेस के बारे में और कुछ काफी कमाल के अपडेट्स के बारे में। तो एवेंजर एंड गेम में एक सीन था जिसमें फीमेल सुपर हीरो एक साथ देखने को मिली। अब इतनी कम रैम टाइमिंग में बड़े बड़े स्टार को टाइमिंग दी गई, पर उसी के साथ जो स्टंट के सीन थे वो स्टंट फीमेल ने करे थे। तो आप समझ सकते हो कि इन एक्टर्स को कितनी कम मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि सारा काम VFX और स्टंटमैन करते हैं, सिर्फ इनको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है, मेरा जो पर्सनली थॉट्स है। उसी के साथ क्रिस इवांस ने एक इमेज डाली जिसमें कि ओल्ड कैप्टन अमेरिका हमें दिखाया गया, तो काफी अच्छा लग रहा है और लगता है कि हाँ लोग कितनी मेहनत भी करते हैं। उसी के साथ थॉर का थोड़ा उठाते हुए काफी कमाल का लग रहा है, उन्होंने ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाली जूस ने, तो मजा आ रहा है देख के, अच्छा लग रहा है। उसी के साथ एक बिहाइंड द सीन हल्का जो कि कॉफी पीते हुए और मोशन कैप्चर कर उन्होंने पूरा सूट पहन रखा है, तो ये एक तंबू गाड़ के इसका मतलब कहीं आसपास स्टेट भी है जहाँ पे वो शूटिंग भी कर रहे हैं। 2023 का कैप्टन मार्वल का ऑफिशियली सूट रिवील्ड कर दिया गया, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। पर एक अपडेट, जब कैप्टन मार्वल की बात करिए तो कैप्टन मार्वल इन फ्यूचर वॉर मशीन के साथ गप्पे लड़ाती नजर आएंगी, यानी कि प्यार मोहब्बत में। तो 18+ वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके साथ एक और अपडेट 18+ का, वो है थॉर और वेलकरी का। जब थॉर एस गार्डियन में वेलकरी को किंग बना देता है यानी कि रानी, तो शायद वो थॉर तब उसी टाइम एट अ प्रेजेंट वेलकरी को किस करने वाला होता है। स्मूच बहुत करी तरीके से, पर ये सीन डिलीट मार दिया गया इन फ्यूचर मी भी शायद ये सोचकर, क्योंकि वेलकरी का जो कैरेक्टर है वो एक लेस्बियन का, जो कि कैप्टन मार्वल से अटैच में होती है, तो शायद ये सीन जानबूझकर डिलीट मारा गया हो। उसके साथ इंटरनल्स में कंफर्म हो चुका है कि गे कैरेक्टर लॉन्च करने वाले हैं रूसो ब्रदर ऑफिशियली कुछ ही टाइम, यानी 2 या 3 वीक्स के बाद। तो लोगन पॉल को मत समझना, बस दिखाने के लिए मैंने इमेज डाल रखी क्योंकि मुझे गे सही लगता है। उसी के साथ फैंटास्टिक फोर इन फ्यूचर रूसो ब्रदर डायरेक्ट कर सकते हैं, एक इंटरव्यू में कंफर्म हुआ। तो रूसो ब्रदर ने कंफर्म कर दिया अगर वो रिटर्न होंगे तो फैंटास्टिक फोर के रिटर्न होंगे। टॉनी का ऑफिशियली गॉटलैंड जो उन्होंने क्रिएट करा था तो मार्केट में आ चुका है, तो अमेजोन पे तो अभी अवेलेबल है नहीं है, पर US में अवेलेबल है। अगर आप ऑर्डर कर सकते हो तो 28 दिन का वेट कर सकते हो, ऑर्डर करिए। तो कैरेन जो कि नेबुला का रोल प्ले करती है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में काफी कमाल की चीज रिवील करी। वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में काम करने वाली है, और उन्होंने एक सीन बताया कि पूरी पिक्चर में थॉर और स्टार-लॉर्ड लड़ते रहेंगे कि इस शिप का मैं कैप्टन हूँ। तो इस चीज के पीछे लड़ाई चलेगी पूरी पिक्चर में, तो काफी मजा आने वाला है। यांडू आप जानते हो बहुत अच्छा एक्टर है, अब वो फाइनली दिखने वाले हैं सुसाइड स्क्वाड मूवी में स्टार, यानी कि शार्क मछली के रूप में कुछ ऐसे ही समथिंग। और उसके बाद आपने थॉर में इन्हें देखा होगा मूवी में, जो कि हैं कलेक्टर, और अब ये हमें देखने वाले हैं सुसाइड स्क्वाड मूवी में, वाओ। उसके बाद डेथस्ट्रोक, ये भी हमें दिखने वाले हैं सुसाइड स्क्वाड मूवी में, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं हैमडाइल में, जो कि आप सब जानते हो, बहुत अच्छा है, मज़ा आने वाला है। उसके बाद जॉन जो कि आयरन मैन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि इन फ्यूचर MCU में कोई भी आयरन मैन मूवी नहीं होगी, यानी कि आयरन मैन 4, पर MCU ने और कुछ प्लान कर रखा है। उसी के साथ आयरन मैन 3 में आपने जो लड़का देखा था एवेंजर एंड गेम में देखा था, तो ये कन्फर्म हो चुका है कि यंग एवेंजर्स में ये आयरन लैड का रोल प्ले करने वाला है। थंडरबोल्ट्स ब्लैक नाइट, ये मूवी पॉसिबली MCU फ्यूचर में बनेंगी, अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं है, ना ही मैं अपनी तरफ से कन्फर्म कर रहा हूँ। उसके बाद एंट इन द वास्ट में माइक्रोवर्स की एक इमेज लॉन्च हुई है, जिससे कि कन्फर्म हो जाता है कि ब्लैक नाइट भी मूवी पॉसिबल कहीं ना कहीं है इन फ्यूचर। उसके बाद डार्क फियोनिस, जो कि दिन पर दिन डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान भी कर रही है मार्वल फैंस को, काफ़ी लोगों का कहना है ये मूवी रिलीज ना हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, पर इसका एक पोस्टर लॉन्च हुआ है जो कि मेरा दिखाना मेरा फर्ज बनता है। देन उसके बाद जेम्स जो कि अवतार के डायरेक्टर हैं, उन्होंने फाइनली एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखा है रूसो ब्रदर्स को, बहुत दर्द हो रहा होगा लेटर लिखने में मुझे मालूम है। देन उसके बाद जुमानजी फाइनली प्रैप हो चुकी है, कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस जो कि आप देख रहे हो, मैंने ये ऑफिशियली मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पे भी डाली थी, और जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो क्योंकि वीडियो से पहले आपको सारे अपडेट वहीं पता चलेंगे। और फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज हॉब एंड शॉ की 10
लैंग्वेज में रिलीज होने वाली इंडिया में, तो पॉसिबली शायद ये एवेंजर एंडगेम के बराबर होगी। आपको पता होगा कि जस्टिस लीग डार्क मूवी आने वाली थी डीसी यूनिवर्स में, पर इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ये रहे उसके कुछ बिहाइंड द सीन, यानी कि कौन सा पार्ट और आर्टवर्क काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि डार्क जस्टिस लीग काफी कमाल की होने वाली थी। ज़ॉम्बीलैंड सबकी फेवरेट मूवी, ये मूवी रिलीज हो रही थी 10 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया, तो अब ये मूवी रिलीज हो रही है 3 दिन बाद यानी 13 अक्टूबर को। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली मैं कुछ वीडियो पसंद आता तो प्लीज कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।